हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियों को। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और इसके बारे में कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन कुछ शोध से पता चला है कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से नहीं आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, अभी नए रिसर्च में ये पता चला है, लेकिन पहले के में जो है वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो अब जब ये निकलती है तो इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाता है। तिब्बत में यानी चीन में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये भारत में नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत में ये यंग यपला पास नामचा पर्वत पर्वत को काटती है, जो यंग यपला पास को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में सिहांग नाम से और जमीनी क्षेत्र में दिहांग नाम से जाना जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां सिहांग नाम से और जमीनी क्षेत्र में दिहांग नाम से जाना जाता है। और जिसके बाद इसमें आकर लोहित और दिबांग नदी मिलती है। इसके बाद इसमें लोहित रिवर और दिबांग रिवर आकर के इसमें मिलती है। और इसी लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारी ब्रिज भी बना हुआ है। लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारी ब्रिज बना है। और फिर ये असम में गोलाघाट जिले में प्रवेश करती है। असम के गोलाघाट जिले में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो ये नदी का चौथा नाम है। अभी तक आप देख सकते हैं कि चीन में इसे यारलुंग सांगपो और फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे दो नाम मिला, सिहांग और दिहांग। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करता है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम के गोलाघाट जिले में ये प्रवेश करता है और इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जिसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली नदी द्वीप, माजुली आइलैंड, जिसे नदी जिला भी घोषित किया गया है। इसी माजुली द्वीप को नदी जिला भी घोषित किया गया है और इस द्वीप पर एक पूरा का पूरा जिला बसा हुआ है। थोड़ा आगे चलने पर इसमें कुछ प्रमुख सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें उत्तर से मिलने वाली है सुबनसिरी, फिर नीचे से धनश्री और कोपिली है, फिर है कामेंग मानस और संकोस, तो ये है सुवर्णश्री, धनश्री, कोपिली, कामेंग मानस और संकोस, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में इतने कुछ दूर में ये ट्रेवल करती है, चलती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसमें आकर के सिक्किम की प्रमुख नदी, सिक्किम की जो प्रमुख तिस्ता नदी है, सिक्किम की जिसे जीवन रेखा नदी भी कहते हैं, वो इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है, जिसके बाद इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। तिस्ता नदी के मिलने के बाद ही इस ब्रह्मपुत्र नदी का बाद जमुना हो जाता है बांग्लादेश में। फिर कुछ दूर आगे जाने पर इसमें गंगा की एक शाखा है जो कि पद्मा है और इसमें आकर के मिलती है। और ये देखिए, इसमें नीचे दिखाया गया है गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि हुगली है। हुगली यहां पर होगी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ये कोलकाता की मेन नदी है जो कि गंगा की एक शाखा है। और इसी तरह से गंगा की एक शाखा पद्मा जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जिसे कि हम बांग्लादेश में जमुना नाम जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पद्मा जमुना में जाकर के मिल जाती है। और फिर इसमें आसाम से आने वाली मेघना नदी मिलती है, जिसके बाद इस नदी को मेघना नाम से ही जाना जाता है। और इसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, जिसमें मैग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और इसी डेल्टा में पाए जाने वाले टाइगर हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है, बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा। तो ये मेघना नदी, जिसे कि पहले ब्रह्मपुत्रा, जमुना और फिर मेघना नाम से जाना जा रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा नदी द्वीप नहीं, नदी द्वीप तो यहां बना रही है असम में माजुली, और यहाँ पर डेल्टा बना रही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर
3000, इस नदी की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में ये मात्र 916 किलोमीटर ही बहता है, क्योंकि भारत में मात्र दो राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बह रहा है। तो भारत में मात्र दो राज्यों में बहता है 916 किलोमीटर में, लेकिन चीन इसमें, ये देखिए तीन देशों में बह रहा है, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। तो इन तीनों देशों में इस नदी की कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में मात्र 916 किलोमीटर बहता है। जिसमें से कुछ प्रमुख चीजें हैं कि ये या यंगपला पास से प्रवेश करती है नामचा वाला पर्वत को काटते हुए, फिर इसे सिहान बिहान से नाम से जाना जाता है, लोहित और दिबांग नदी इसमें आकर के मिलती है। फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाती है, और इसमें कुछ सहायक नदियां आकर के मिलती है, जिसमें सुमनश्री, धनश्री, कोपिली, कामेंग, मानस और संकोच नदी है। और फिर ये इसमें बांग्लादेश में तिस्ता नदी आकर के मिलती है, जिसका नाम वैसे इसे जमुना जाना जाता है। और फिर मेघना नदी के मिलने के बाद इसमें मेघना नाम से जाना जाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और लोगों के पास शेयर भी करिएगा। थैंक यू।